जी की कुछ नीतियां इतनी खराब थी कि यदि शायद उस समय अगर मेरा जन्म होता तो मैं खुद उनको गोली दाग देती। आप ये देखिए कि नेहरू को दो किताबें लिखी नेहरू ने जेल के दौरान, आगा खान पैलेस के अंदर दो किताबें लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। अरे महामूर्ख, भारत तो सदियों सालों से, तेने क्या भारत खोज लिया? एक थप्पड़ नहीं पड़ा कभी नेहरू को और एक लाठी नहीं पड़ी गांधी को। बोलो वो क्रांतिकारी ये हो गए आजादी के लड़ाई लड़ने वाले। और लाखों लाख लोग जो गोवा से लेके आसाम, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मार दिए गए, जिनके परिवार के लोग ढूंढे नहीं मिले आज तक, उन लोगों को आतंकवादी लिखा है नेहरू ने अपने इतिहास में। और गांधी ने उन लोगों का समर्थन नहीं किया कभी भी, तो भाई हम इसको कैसे मान ले? सावरकर को तो मिलना चाहिए। 1901 में पहली होली, विदेशी जो विदेशी कपड़े थे उसकी पहली होली वीर सावरकर के जलाई थी। पहले क्रांतिकारी थे, विदेशों में हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं आए थे, तब वीर सावरकर काले पानी का सजा काट रहे थे। कौन था उस समय गांधी? उस समय कहाँ थे गांधी? कहाँ थे गांधी? जब जब जेल से छूट के आए हैं, इनको पीछे किसने खींचा है? दूसरी चीज, पीछे किसने खींचा है? और आप जो गांधी जी कर रहे हो, गांधी जी महान आत्मा नहीं है, ये बुरी आत्मा है जो आज भी नोटों के ऊपर भटक रही है। ये गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह को फांसी ना होती, ये उनके खिलाफ केस लड़ सकते थे। मुझे ये पहले एक आदमी है, जितने भी लोग खड़े हैं, मुझे ये बताइए गांधी जी को अंग्रेजों ने कितनी बार लाठी मारी, कितनी बार जेल भेजा, कितनी बार उनको सजाई हुई? कुछ नहीं हुई, क्योंकि गांधी जी जो थे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे और अंग्रेजों के वो पिट्टू थे। इसलिए गांधी जी को तो अब बस, जैसे मोदी जी आ गए हैं, अब गांधी जी की भी आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस वाली हालत होनी चाहिए और इनको आहिस्ता आहिस्ता अब हर चीज से हटाना चाहिए। गांधी जी की जो हत्या हुई वो बहुत देर से हुई, अगर गांधी जी के टाइम से हत्या ना होती तो आज ये पाकिस्तान जो बांग्लादेश में था उस वक्त, ये बांग्लादेश से इंडिया का 20 किलोमीटर का रास्ता गांधी जी ने प्रस्ताव कर दिया था कि वहाँ से उसका रास्ता निकाला जाए। नाथूराम गोडसे ने इसका विरोध किया था और उनको इतना गुस्सा आया था कि जिस गांधी ने लाखों हिंदू मुसलमान, उस वक्त हिंदू मुसलमान का कोई नाम नहीं होता था, उस वक्त ही होता था सिर्फ आज़ादी का नारा, आज़ाद देश आज़ादी का नारा होता था। इसलिए गांधी जी को नाथूराम ने सही मारा। और मैं कह रहा हूँ सावरकर जी के साथ नाथूराम जी की भी सम्मान किया जाए और उनकी भी छुट्टी डिक्लेयर की जाए। जैसा आज ओवैसी ने कह दिया है, आपने भी कहा है नाथूराम गोडसे, ओवैसी ने भी यही बयान दिया है कि नाथूराम गोडसे को भी दे दो भारत रत्न, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल राम मिलना चाहिए। अच्छा, अगर सच्चा भक्त वो था, भाई गांधी जी कौन थे? गांधी जी किसके लिए लड़े? देश के लिए लड़े, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, परिवार के लिए लड़े थे। गांधी जी अंग्रेजों से जो लड़ रहे थे तो उस वक्त के गांधी जी आतंकवादी थे, अंग्रेजों की नजर में आतंकवादी थे वो, तो एक आतंकवादी को सम्मान क्यों दिया जाता था? और बाकी बड़े नेताओं को क्यों डंडे मारे जाते थे, क्यों लाठियां मारी जाती थी, क्यों उन्हें फांसी पर लटकाया जाता था? गांधी जी की कुछ नीतियां इतनी खराब थी कि यदि शायद उस समय अगर मेरा जन्म होता तो मैं खुद उनको गोली दाग देती। मैं, मेरे घर में गांधी जी की कोई प्रतिमा नहीं है। मैं जब पहली बार जॉब करने के लिए गई हूँ 1990 में, और उस टाइम में ग्रेजुएशन कर रही थी, मैंने उसको हमेशा जाती थी तो देखती थी बॉस के कमरे में गांधी जी लटके, उसके नीचे बॉस की कुर्सी, मैं जाकर सबसे पहले जो है बॉस के कमरे में गांधी जी को ही पलट के आती थी। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, बॉस फिर सीधा करता था। बॉस से एक दिन पूछ ही लिया, आखिर ये कौन करता है? लोगों को पता था, लोग चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए। हम भी वहीं पे बैठे हुए थे, हम भी नहीं कुछ बोले। फिर जो है कहने लगे, ये लोग तो पुराने, ये तो नहीं करते होंगे। मुझसे बोले, तुम करती हो? मैंने कहा हाँ, इनको आप हटा दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा आपको पता है ये कौन है? तो इसलिए जो है, जो नाथूराम गोडसे ने किया बहुत अच्छा किया है, और हम तो कहते हैं नाथूराम गोडसे को भी वीर सावरकर की तरह मिलना चाहिए। पिताजी ने बात करी, एक मिनट माता जी, आपके विचारधारा से देश नहीं चलता, और हमारे पिताजी ने हमें ज्ञान दिया है वो महात्मा गांधी का दिया है, और यहाँ खड़े खड़े सभी मेरे बड़े भाई बहन वो सभी अपने बच्चों को बापू का ज्ञान देते हैं, ना कि नाथूराम गोडसे का। एक मिनट, आपने उनकी गलतियाँ तो देख ली, आपने उनके आज ज्ञान देना चाहिए। आप इनसे भी पूछिए भाइयों से, अगर मैं गलत कह रहा हूँ। एक मिनट,
एक मिनट, यहाँ पे बात महात्मा गांधी की भी नहीं हो रही है, यहाँ पे वीर सावरकर। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आप लोग शांत हो जाए। एक मिनट रुक जाइए, बात हो रही है वीर सावरकर की, यहाँ पे बात हो रही है। पहले चीज सर, एक मिनट बात आ रही है, कौन ला रहा है नाथूराम गोडसे की बात? कौन ला रहा है नाथूराम गोडसे की बात? कहाँ से? यहाँ पे बात वीर सावरकर की जी की बात, जो इन्होंने कहा बीजेपी और आरएसएस का यही काम है कि गांधी जी को गलत साबित करना। इनको पता नहीं है कि जब देश हमारा गुलाम था तो आजादी दिलाने में महात्मा गांधी का अहम एक योगदान था और योगदान था, और उसी को आरएसएस उसी को मानती है जो गोडसे जो महात्मा गांधी को गोली मारा था उनको मानती है। तो आप पता चल सकता है कि बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कितनी बड़ी खतरा है, समझिए। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। एक मिनट नहीं चलाई है इस देश में जवाहरलाल नेहरू ने या इंदिरा गांधी ने या तो राजीव गांधी ने एक गोली चलाई हो, एक गोली किसी एक अंग्रेज को मारा हो या एक को निकाला हो इस देश से निकाला हो, सबको भारत रत्न दिया गया, सब अपने हाथ से भारत रत्न ले लिए। और आज ये बात करते हैं वीर सावरकर, देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है, पहले यहाँ जो बात हो रही है वीर सावरकर की हो रही है। एक मिनट यहाँ जो बात हो रही है वीर सावरकर की हो रही है, महाभारत हुई। एक मिनट, यहाँ जो बात हो रही है वीर सावरकर की हो रही है, और वीर सावरकर महात्मा गांधी से मात्र 14 साल छोटे थे। पहली चीज, 1901 में पहली होली विदेशी कपड़े थे उसकी पहली होली वीर सावरकर ने जलाई थी। पहले क्रांतिकारी थे, विदेशों में हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं आए थे, तब वीर सावरकर काले पानी का सजा काट रहे थे। कौन था गांधी उस समय? गांधी जब जब जेल से छूट के आए हैं, पीछे किसने खींचा है? दूसरी चीज पीछे किसने खींचा है? जब 1906 में जब वीर सावरकर जी अब इंडिया आए थे, तो उन्होंने पहली मुलाकात उनसे हुई थी महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जब 1906 में तो गांधी हिंदुस्तान की राजनीति में आया, पहले मुलाकात थी। अरे यार, ये जो गांधी परिवार है ना, ये गांधी परिवार जब सुभाष चंद्र बोस को नहीं छोड़ा, आप समझिए, सुभाष चंद्र बोस को नहीं छोड़ा, इस गांधी परिवार ने लाल बहादुर शास्त्री को नहीं छोड़ा, ये इस देश को खा गए सुभाष चंद्र। मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं आरएसएस की विचारधारा है, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर कहीं पे कोई भी बाढ़ आता है तो सबसे पहले वहाँ आरएसएस जाती है। आरएसएस जाती है। एक मिनट, पहली चीज, अभी पटना में बाढ़ आई, मेरे पास फोटो है, परिवार कहाँ थे? सबसे बाढ़ में सबसे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति है तो पप्पू यादव ने किया है। आरएसएस कोई कार्यकर्ता नहीं दिखा, सबसे ज्यादा पप्पू यादव ने।